नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक होनर का सेट है, होनर 8 लाइट। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने होनर 8 लाइट मोबाइल को किस प्रकार से ओपन कर सकते हो, किस प्रकार से आप उसका टच डिस्प्ले कॉम्बो आप रिप्लेस कर सकते हो, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के। तो देखिए दोस्तों, इसको ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें सिम ट्रे को निकाल लेना है। ये हम इसका सिम ट्रे निकाल लेंगे। ये देखिए, सिम ट्रे निकालने के बाद में काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, इसको फ्रंट से ओपन करते हैं, जबकि होनर 8 लाइट हमारा बैक पैनल हमारा ओपन होगा। तो यहाँ पर हम SMD का इस्तेमाल करेंगे। हमें SMD की सहायता से इसको हीट करना है और कॉर्नर पे हमें हीट करना है। टेम्परेचर हमें हमारी सुविधा के अनुसार करना है, ज़्यादा टेम्परेचर हमें नहीं करना, अदरवाइज हमारा जो ये बैक पैनल है ये हमारा क्रैक होने के चांसेस रहते हैं। तो आप अपने टेम्परेचर को अपनी सुविधा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं हमारा पैनल है क्रैक ना हो जाए ज़्यादा हीट से। तो आपको ये इस प्रकार से हीट कर लेना है कॉर्नर पे। हीट करने के बाद में आपको क्या करना है, ये एक ब्लेड लेना है और ब्लेड यहाँ पर किसी भी जगह पर आपको फंसा लेनी है इस प्रकार से। और ब्लेड फंसाने के बाद में एक प्लास्टिक का रैपर ये लेना है और ये इसके अंदर आपको फंसा लेना है और ये चारों ओर आपको इस प्रकार से ये घुमा देना है। ये चारों से आपको ये इस प्रकार से घुमा लेना है और ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है, तो हमें ये खींचना नहीं है। यहाँ से हमें ये स्क्रू को ओपन कर लेना है। ये देखिए, ये हमने स्क्रू ओपन कर लिया और ये हमें यहाँ से ये निकाल लेना है। और ये हमारा बैक पैनल, ये देखिए हमने इसको अलग कर लिया। बैक पैनल अलग करने के बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, हमारी ये बैटरी कनेक्टर को रिमूव कर लेना है और बैटरी को भी हमें इजी वे में यहाँ से निकाल लेना है। थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई टूजर वगैरह का इसके अंदर चुभना नहीं चाहिए, अदरवाइज हमारी बैटरी डिफेक्टिव हो जाती है। यानी बैटरी को यहाँ से निकाल लेना है। ये देखिए, हमारी ये बैटरी हमने निकाल ली। बैटरी निकालने के बाद में हमारा ये चार्जिंग स्ट्रिप होता है, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, तो हमें ये डिस्प्ले कनेक्टर को रिमूव कर लेना है। और ये डिस्प्ले को निकालने के लिए हमें यहाँ से फ्रंट से हमें हीट करना होगा इसको, और हम वही SMD का इस्तेमाल करेंगे। हमें ये फ्रंट से हीट करना है इसको। हिट करने के बाद में हमें वही तरकीब अपनानी है दोस्तों, हमें ब्लेड की सहायता से कहीं पर फंसा लेना है। ये याद रखे, इस प्रकार से हमें ये फंसा लेना है और ये प्लास्टिक का रैपर हमें लेना है और ये हमें ये घुमाना है इसको चारों ओर। ये हमें यहाँ से इस प्रकार से ये देखिए, हमें ये निकाल लेना है कॉम्बो, डिफेक्टिव कॉम्बो। ये हमारा डिफेक्टिव कॉम्बो आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो फ्रेम है हमारा, ये फ्रेम में से हमें ये जो गम है वो हटा लेना है। ये भी हमें थोड़ा सा गर्म करके हमें पुराना गम हटा लेना है, ताकि हम जो नया कॉम्बो लगाएं वो आसानी से हमारे इसके अंदर सेट हो जाए। तो हमारा ये पुराना हमें यहाँ से हटा लेना है गम को।
ये देखिए दोस्तों, ये हमें सारा का सारा ये इसका हटा लेना है और अब हम इसमें नया कॉम्बो लगाएंगे। ये हम नया कॉम्बो ले लेते हैं, ये देखिए ये हमने नया कॉम्बो ले लिया। तो कॉम्बो लगाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमें यहाँ पर T7000 का इस्तेमाल करना होगा जो कि कॉम्बो को फिक्स करने में हमारा मदद करता है। तो हमें ये T7000 इसके कॉर्नर में हमें चारों ओर लगा लेना है ताकि हमारा ये इसके अंदर फिक्स हो सके। तो हमें ये T7000 इसके सारे कॉर्नर में हमें लगा लेना है। देखिए दोस्तों, ये T7000 हमने इसके चारों ओर लगा दी कॉर्नर में और अब हम हमारा कॉम्बो लेंगे। कॉम्बो का हमें ये रैपर रिमूव कर लेना है। ये देखिए ये हमें रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद में हमें यहाँ पर ये जो हमारा कॉम्बो है यहाँ से इसके अंदर फिक्स करना है और इसके अंदर हमारा ये सेट करते हुए अच्छे से बैठाते हुए हमें यहाँ पर सेट कर देना है। हमें ये प्रॉपर वे में इस फिक्स कर देना दोस्तों अच्छे से, ताकि हमारा कोई भी कॉम्बो में कोई भी लूजिंग नहीं रहे। अच्छे से हमें प्रॉपर वे में फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद में हमें ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर लगा लेना है। डिस्प्ले कनेक्टर लगाने के बाद में हमें ये इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर देना है। बैटरी हमें यहाँ पर लगा देनी है, बैटरी का कनेक्टर हमें लगा देना है। ये हमने सेल को भी पैक करने के लिए हमें यहाँ पर ये लगा लेना है। बैक पैनल पे भी हमें ये लगा लेना है। बैक पैनल पे लगाने के बाद में हमें ये हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर को हमें इसके अंदर स्लॉट में लगा देना है। फिंगरप्रिंट स्लॉट लगाने के बाद में हमें ये स्ट्रिप को बंद कर देना है और ये पेच लगा देना है ताकि हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर और हमारा डिस्प्ले कनेक्टर लेनी और इसको हमें प्रॉपर वे में सेट कर देना है। और ये सेट करने के बाद में हमें रबड़ बैंड से इसको रब कर देना है। रबड़ बैंड हम इसमें लेंगे। इस प्रकार से रबड़ बैंड से हमें रब कर लेना है और हम एक बार इसको स्विच ऑन करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब हम स्विच ऑन करके इसको चेक कर लेते हैं। ये हमने स्विच ऑन कर दिया और देख पा रहे हैं आप होनर हमारा लिखा हुआ आ रहा है। और ये देखिए हमारा ऑन हो चुका है। हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमने अनलॉक किया
और ये देखिए हमारा कॉम्बो वर्क कर रहा है प्रॉपरली। ये बैक बटन, ये सारे बटन हमारे वर्क कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। हम आपको मॉडल चेक करा देते हैं कौन सा है। हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, नीचे आते हैं, सिस्टम में आते हैं, अबाउट फोन में आते हैं, और ये देखिए हमारा मॉडल है होनर 8 लाइट। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने हमारे होनर 8 लाइट मोबाइल में टच कॉम्बो हमने रिप्लेस किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों हमें कम से कम 2 से 3 घंटे तक हमें ये रबड़ इसमें लगा के रखने हैं ताकि हमारा ये प्रॉपरली, जो ग्लू हमने लगाया T7000 वो हमारा प्रॉपरली सेट हो सके।